अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल, जो हमारा लेक्चर 4 है। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4। सो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। मैं लिख दूं यहाँ पे W फॉर वाटर, S फॉर सॉल्यूट एंड P फॉर प्रेशर। जो हमारा वाटर पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है सॉल्यूट पोटेंशियल पे और प्रेशर पोटेंशियल पे। पहले हम वाटर पोटेंशियल को जानेंगे क्या है, बाद में सॉल्यूट पोटेंशियल को। उसके बाद इसमें एक पॉइंट हमें डिस्कस करना है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर पोटेंशियल इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं पहला पॉइंट लिखूं, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी किसकी है, वाटर की फिजिकल क्वांटिटी है, जो एक कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स में टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस रैंडमली। मतलब ये टेंडेंसी है वाटर पोटेंशियल, दूसरे मानों में बोलेंगे इट इज अ टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये वाटर पोटेंशियल, लेकिन कैसे मूव करेगा, रैंडमली मूव करेंगे। ये पहला पॉइंट है। तो ये वाटर जो है फिजिकल क्वांटिटी है वाटर पोटेंशियल, और वाटर पोटेंशियल क्या है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कैपेसिटी वाटर मॉलिक्यूल की होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, और रैंडमली वो मूव करते होते हैं। और रैंडमली वो कैसे मूव कर रहे हैं, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, छोटी क्लास में पढ़ा है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होती है, और उस गैप में होती है काइनेटिक एनर्जी, या इन ये वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हम ये कह सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, ये इसके अंदर इनबिल्ट एनर्जी है, वाटर मॉलिक्यूल के पास इनबिल्ट एनर्जी है, जिसकी वजह से ये वाटर मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जो वाटर पोटेंशियल है, इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल जो है वो है ग्रीक लेटर पी साई को हम ऐसे लिखते हैं। ये हो गया पोटेंशियल का सिंबल। अगर हम W डालेंगे तो बन गया वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल इज अ टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस रैंडमली। वो मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इनबिल्ट फ्री एनर्जी, इनके पास इनबिल्ट फ्री एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं या मूव कर रहे होते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है वाटर पोटेंशियल, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है बार्स, एटमॉस्फेयर्स या पास्कल। तो मैं यहां लिख दूं, यूनिट जो इसका है वो है यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल इज पास्कल, या लिखेंगे हम PA, या लिखेंगे बार्स, ये भी इसका यूनिट है, या लिखेंगे एटमॉस्फेयर्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनको मूव कौन कर रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है इनबिल्ट फ्री एनर्जी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसकी वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो कैसे मूव करेंगे, यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम है। तो वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रॉम हाई नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू लो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कौन कराएगा मूव, काइनेटिक एनर्जी इनके पास होती है, जिसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई टू लो।
एक पॉइंट, तो एक पॉइंट जो है वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे बेटा तो मूवमेंट होगी ज्यादा से कम की ओर। दूसरा पॉइंट, वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मूवमेंट भी उतनी ज्यादा होगी फ्रॉम हाई टू लो। अब तीसरा पॉइंट जो है, जो इस ये फैक्टर्स थे जिन पे हमारा ये वाटर पोटेंशियल डिपेंड करेगा, किस पे करेगा डिपेंड बेटा? एक तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और दूसरा करेगा काइनेटिक एनर्जी पे ये डिपेंड। तीसरा पॉइंट, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा, यानी कि मूवमेंट भी ज्यादा होगी। टेम्परेचर कम होगा, मूवमेंट भी कम होगी। तो टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पे वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमने सीखा वाटर पोटेंशियल क्या है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और टेंडेंसी है ये वाटर मॉलिक्यूल की, जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस रैंडमली। और इसको मूव कौन कर रहा है? जो इनके अंदर इनबिल्ट फ्री एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी वजह से ये मूव करते हैं। अब मैं एक चीज बोल दूंगा आपको, कंडीशन क्या है? जो चीज पानी के रैंडम मोशन को रोकने की कोशिश करेगा या डिक्रीज करेगा, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा आप लेंगे नेगेटिव। जो भी चीज वाटर पोटेंशियल या वाटर मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन, मैं लिखूंगा एनी सबस्टेंस, ये चीज याद रखेंगे आप, एनी सबस्टेंस विच डिक्रीजेस द रैंडम मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या है बेटा? जो रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? डिक्रीज, कंट्रीब्यूट्स नेगेटिव वैल्यू, कंट्रीब्यूट्स नेगेटिव वैल्यू। तो ये याद रखेंगे, इसीलिए वजह ये है, जो यहां पे मैंने लिखा सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा होता है नेगेटिव। सर, सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन को डिक्रीज करता है। मैं इसे समझाऊंगा। ये एक बीकर में ले रहा हूं, ये बीकर है मेरे पास, और इस बीकर में मेरे पास है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली मूव कर रहे हैं। और कहां से कहां मूव करेंगे? फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल, चलो यहां ज्यादा रखते हैं, टू लो वाटर पोटेंशियल। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें सोल्यूट ऐड कर रहा हूं। तो जिगर मेरा इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स चले गए, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन है वो कम हो जाएगी। तो बेटा, सोल्यूट डालने से वाटर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी रैंडम मोशन कम हो गई। तो मैंने लिखा, कोई भी चीज जो पानी की रैंडम मोशन को कम करने की कोशिश करेगा उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। तो सोल्यूट जो है इसमें डाल दिया, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो मैं लिख दूं यहां पे जिगर मेरा, मोर सोल्यूट, जितना आप सोल्यूट इसमें डालेंगे, सोल्यूट डाल दिया, वाटर पोटेंशियल क्या होगा बेटा? वाटर पोटेंशियल कम हो गया। मोर सोल्यूट और वाटर पोटेंशियल क्या आ गए? हो गया डिक्रीज, और उसकी वैल्यू भी आएगी नेगेटिव, यानी कि कम कम मोशन होगी, बिकॉज ऑफ द पोरिंग ऑफ सोल्यूट और ड्रॉपिंग ऑफ सोल्यूट इन टू द बीकर। दूसरा पॉइंट, तो सोल्यूट जो है, सोल्यूट क्या करेगा? ये सोल्यूट पोटेंशियल को भी कम करेगा।
व्हाट इज सोल्यूट पोटेंशियल, मैं ये बात लिखूं, चलो ये सिंबल है सोल्यूट पोटेंशियल की। सोल्यूट पोटेंशियल क्या है बेटा? सोल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल ही है जो किससे कंट्रोल होता है, सोल्यूट मैंने डाल दिया, वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, वाटर की रैंडम मोशन कम हो रही है, और सोल्यूट डालने से सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, इट इज वाटर पोटेंशियल कंट्रोल्ड बाय सोल्यूट। ये याद रखेंगे आप, सोल्यूट पोटेंशियल इज अ वाटर पोटेंशियल कंट्रोल्ड बाय सोल्यूट, ये चीज याद रखेंगे आप। तो यहां पे मैं ये बात कर रहा हूं, अगर सोल्यूट ज्यादा डालेंगे, जितना सोल्यूट डालेंगे ज्यादा, सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा, सोल्यूट पोटेंशियल लोअर होगा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस। तो मान लो इसमें मैंने सोल्यूट का एक मॉलिक्यूल डाल दिया, इसका वैल्यू आ गया -1, क्लियर। अभी और सोल्यूट डाल दो, इसकी वैल्यू और डिक्रीज होगी, इसकी वैल्यू -2 जाएगी, और सोल्यूट इसमें डालो, इसकी वैल्यू -3, यानी कि डिक्रीज होती जाएगी सोल्यूट पोटेंशियल। याद रखना, जितना हम सोल्यूट डालते जाएंगे सोल्यूट पोटेंशियल उतना डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उतना सोल्यूट ऐड होगा, वाटर मॉलिक्यूल कम रहेंगे, और वाटर पोटेंशियल जो है कम होगी, क्योंकि उसकी रैंडम मोशन, सोल्यूट डालते डालते जाओ, और उसकी वाटर पोटेंशियल जो है डिक्रीज होती जा रही है, और सोल्यूट पोटेंशियल भी डिक्रीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो वाटर पोटेंशियल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट पोटेंशियल। जितना सोल्यूट डालोगे सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा, वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। सोल्यूट ज्यादा, वाटर पोटेंशियल कम, सोल्यूट पोटेंशियल कम, सोल्यूट कम, वाटर पोटेंशियल ज्यादा, सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा। क्लियर होगी बात? और क्या बोलेंगे हम, जितना हम सोल्यूट जाए, और जो चीज वाटर की रैंडम मोशन को रोकती है या थोड़ी बहुत डिफेक्ट इस पर डालती है, इफेक्ट करती है वाटर मूवमेंट को, तो उसकी वैल्यू सॉरी नेगेटिव बन जाती है। तो यहाँ पे जो हम सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू उसकी लिखेंगे नेगेटिव। तो ये पहला पॉइंट लिखेंगे आप, सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा होती है नेगेटिव। क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन द सोल्यूट। सोल्यूट तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट। वो क्या होता है बेटा, सोल्यूट ज्यादा, वाटर पोटेंशियल कम, वाटर पोटेंशियल ज्यादा, सोल्यूट होगी कम। सोल्यूट कम डालोगे वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, सोल्यूट ज्यादा डालोगे वाटर पोटेंशियल कम होगी। अब ये हमें सीखना है प्रेशर पोटेंशियल, और ये हमने सीख लिया वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सोल्यूट पोटेंशियल पे और प्रेशर पोटेंशियल पे। ये चीज आपको समझ में आई? अब मैं एक बात सिखाने जा रहा हूं आपको, विच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको RO भी कहते हैं, वो क्या होता है? मैं पहला पॉइंट लिखूंगा जो प्योर वाटर होता है, जो बेटा क्या होता है, प्योर वाटर होता है, उसका वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। ये भी आपके क्वेश्चन में आएगा, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो क्यों है, मैं समझाऊंगा। ये मेरे पास एक बीकर है, ये मेरे पास दूसरा बीकर है, इनको मैं कनेक्ट करता हूं, इसमें पानी रखेंगे हम बेटा, रख लिया पानी इसमें, इसमें भी पानी रख लो, बराबर रख लो, दोनों में इक्वल अमाउंट में पानी रख लो। तो इसकी ये लेवल है, इसकी ये लेवल है, इसको लिखेंगे कंपार्टमेंट ए, इसको लिखेंगे कंपार्टमेंट बी। तो जिगर मेरा, मैं बोल रहा हूं, और ये हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है।
क्यों होता है बेटा? क्योंकि इस प्योर वाटर में सोल्यूट कुछ नहीं है। जब मैंने सोल्यूट नहीं डाला तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा बेटा? जीरो होगा। सोल्यूट पोटेंशियल मैंने बोला ऑलवेज होगा नेगेटिव। कब होगा जीरो? सर जब पानी के अंदर कोई सोल्यूट ही नहीं है तो सोल्यूट पोटेंशियल जीरो होगा। और ये बीकर जो है, दोनों बीकर हैं, इस बीकर ओपन बीकर पे लगने वाला प्रेशर किसका है बेटा? लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेयर का है। तो यहां पे प्रेशर लेंगे हम, प्रेशर पोटेंशियल लेंगे हम एटमॉस्फेयर का। क्या हो रहा है बेटा? तो ये इस बीकर पे भी लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, इस पे भी लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, लेकिन यहां प्योर वाटर है दोनों में और सोल्यूट कुछ नहीं है, तो यहां से जो है मूवमेंट इधर नहीं होगी। तो नो नेट मूवमेंट, कोई मूवमेंट इसकी नहीं होगी बेटा, मूवमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें सोल्यूट जीरो था, तो प्योर वाटर की मूवमेंट नहीं होगी। जिस प्रेशर पे वाटर की मूवमेंट नहीं होती है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लेते हैं इक्वल टू जीरो। तो वी डू हैव प्रेशर पोटेंशियल जीरो। जिगर मेरा, वाटर पोटेंशियल जीरो कब है? किसका? प्योर वाटर का। जब मेरे पास सोल्यूट पोटेंशियल भी जीरो है और मेरे पास प्रेशर पोटेंशियल भी किसके बराबर है? एटमॉस्फेयर के बराबर है। जब हम प्रेशर पोटेंशियल एटमॉस्फेयर के बराबर लेंगे और सोल्यूट पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये कोई मूवमेंट नहीं करा रहा है, तो इस वक्त हम सोल्यूट पोटेंशियल जीरो लेते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेते हैं, तो मूवमेंट नो नेट मूवमेंट होगी, नतीजे फ्रॉम ए टू बी नहीं होगी मूवमेंट। तो नतीजे निकलेगा प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होगा। सोल्यूट पोटेंशियल कब जीरो होगा? जब पानी के अंदर कोई सोल्यूट नहीं होगी, यानी कि जब ये खाली सॉल्वेंट होगा, सोल्यूशन नहीं होगी। सॉल्वेंट, इन केस ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट पोटेंशियल इज जीरो। इन केस ऑफ सोल्यूशन सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होगा। सर क्यों नेगेटिव होगा? सोल्यूट डालने से वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, उसकी रैंडम मोशन रुक जाती है। नतीजा निकलता है सोल्यूट पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लिखते हैं इन केस ऑफ सोल्यूशन। इन केस ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर की मूवमेंट नहीं हुई क्योंकि इसमें सोल्यूट नहीं था, तो सोल्यूट पोटेंशियल को हम क्या लेंगे बेटा? जीरो। तो ये बात समझ में आई? मुझे समझाना है रिवर्स ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट। तो वाटर पोटेंशियल जो है मूवमेंट क्या होगी? फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, या होगी फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या होगी मूवमेंट फ्रॉम हाई काइनेटिक एनर्जी टू लो काइनेटिक एनर्जी। रिवर्स ऑस्मोसिस का मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको बेटा। एक बीकर में ले रहा हूं, दिस इज अ बीकर, ये बीकर मेरे पास है बेटा। इस बीकर में हम लेंगे बेटा, हम लेंगे एक फनल जिसको हम थिसल फनल कहते हैं। ये हम ले रहे हैं इसमें बेटा थिसल फनल, जिसका एक सेलोफेन ट्यूब लगा हुआ है। दिस इज थिसल फनल और इस पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगने वाला जीरो है क्योंकि ये ओपन बीकर है, ठीक है। जिगर मेरा, इस थिसल फनल में यहां पे लेंगे हम पानी, बीकर में पानी लेंगे तो बेटा प्योर वाटर लेंगे, इसमें प्योर वाटर ले लिया। शायद आपकी सिलेबस में नहीं है रिवर्स ऑस्मोसिस, लेकिन समझ लो समझने में क्या हर्ज है बेटा। इस बीकर में मैंने लिया प्योर वाटर और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है बेटा जीरो। ये आपने अभी समझा? क्यों?
इस पर बीकर के साथ लगने वाला प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और प्योर वाटर की मूवमेंट नहीं होती है तो हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जीरो। तो हम प्रेशर पोटेंशियल यहां लेते हैं बेटा जीरो। क्लियर? अभी क्या करेंगे हम, अभी क्या करेंगे बेटा, इस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर हम लेंगे शुगर सॉल्यूशन। ये मैंने ग्रीन से बना दिया, इसके अंदर है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन बेटा कैसे, ये सॉल्यूशन है। तो अभी पानी था, अगर इसके अंदर प्योर वाटर होता तो उसका वाटर पोटेंशियल भी जीरो होता, लेकिन हमने इसमें शुगर डाल दिया यानी कि सोल्यूट ऐड किया। सोल्यूट ऐड करने से क्या होगा बेटा, वाटर पोटेंशियल जो बीकर के अंदर है, वाटर पोटेंशियल इन बीकर इन साइड थिसल फनल इज माइनस। क्यों? इसकी वैल्यू माइनस हो रही है, डिक्रीज हो रही है सोल्यूट डालने से। तो ये जब ये सोल्यूशन है, इसकी वाटर पोटेंशियल होगी माइनस और इसकी सोल्यूट पोटेंशियल भी होगी बेटा माइनस। क्यों? मैंने आपको, मैं फिर से बोलूंगा बेटा, ये बीकर है, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर क्या डालेंगे बेटा, सोल्यूट। जब सोल्यूट डालेंगे इसकी रैंडम मोशन डिक्रीज होगी, नतीजा निकलेगा वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, उसकी वैल्यू माइनस और सोल्यूट पोटेंशियल भी माइनस होगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात समझ में आई। अब बेटा बात करेंगे हम, चलो इसकी वैल्यू कुछ लिखते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं माइनस टू, इसकी वैल्यू लिखते हैं माइनस टू। अगर हम और सोल्यूट डालेंगे, और सोल्यूट डालने से इसकी वैल्यू बढ़ के होगी माइनस सिक्स, इसकी वैल्यू बढ़ के होगी माइनस सिक्स। क्यों? और माइनस की ओर जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा सोल्यूट डालने से। तो इन साइड थिसल फनल वाटर पोटेंशियल इज माइनस एंड सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑल्सो माइनस। क्लियर हो रहा है? अभी बेटा हमारे पास क्या है, जो प्योर वाटर है, वाटर पोटेंशियल इसका क्या है बेटा, जीरो। चेंबर ए या बीकर ए में वाटर पोटेंशियल वैल्यू जीरो है, लेकिन बी में वाटर पोटेंशियल वैल्यू क्या है बेटा, माइनस। जीरो एंड माइनस टू, चलो मैंने माइनस वैल्यू दे दिया, कोई भी दे दो। आपने नंबर लाइन देखी होगी बेटा, जीरो ज्यादा होता है नंबर लाइन पे, माइनस टू ज्यादा होता है। जीरो ज्यादा होता है, माइनस टू कम होता है। तो ऑस्मोसिस क्या बोलता है बेटा, ऑस्मोसिस बोलती है मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। हाइपो मतलब डाइल्यूट, पानी बहुत ज्यादा, हाइपर मतलब सोल्यूट ज्यादा। तो बेटा यहां पे सिर्फ पानी है, यहां पे सोल्यूट है, शुगर सोल्यूशन है, तो मूवमेंट क्या होगी, मूवमेंट होगी बेटा, तो इस बीकर में, इस थिसल फनल में पानी की मूवमेंट ऐसे होगी, तो इनवर्स मूवमेंट इसमें आ रही, इसमें पानी आ रहा है और इसकी लेवल चढ़ रही है, थिसल फनल के अंदर पानी चढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे जीरो था, यहां पे इसके अंदर माइनस था, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पानी आ गया, या हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक आ गया, और या हम बोलेंगे डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड आ गया। तो अभी क्या हो रही है, ऑस्मोसिस। क्लियर? अभी हमने पानी इसमें चढ़ा दिया, मुझे क्या करना है बेटा, मुझे पानी की जो पानी चढ़ रहा है, मुझे इसको स्टॉप करना है। आई हैव टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर। स्टॉप मैं कैसे कर दूं, अभी समझ लो बेटा। तो मेरे पास वाटर पोटेंशियल बाहर क्या था, जीरो। अंदर क्या था मेरे पास वाटर पोटेंशियल, माइनस टू था। क्लियर? और ये डिपेंड किस पे करता है, मैं यहां पे लिख दूं, ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है सोल्यूट पोटेंशियल पे, जो हमारे पास माइनस टू था, वाटर पोटेंशियल भी माइनस टू, मैं अंदर की बात कर रहा हूं, और हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल जो था, और प्रेशर पोटेंशियल जो था वो था जीरो, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही थी। अब क्या हो रहा है बेटा, अब मुझे क्या करना है, इसको मैं ऐसे रख दूं, इसको मैं लिख दूं नोट ऑफ इंट्रोगेशन।
तो बेटा मैं यहां पे इस थिसल फनल में, इसके ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा प्रेशर एटमॉस्फेयर से इंक्रीज करके, एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे पास 0 है, मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा तो प्लस लगा दूंगा, मैं पिस्टन की मदद से आई एम अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर थ्रू पिस्टन ऑन दिस, तो मुझे कितना प्रेशर ऊपर से डालना होगा ताकि ये पानी की जो मूवमेंट है ये रुक जाए। तो मेरे पास ऑस्मोस सॉल्यूट प्रेशर कितना है, -2, तो मुझे प्रेशर लगाना होगा +2। समझ लो, ये हमारे पास है -2 और ये हमारे पास आ गया +2। -2 और +2 क्या बन गए बेटा, 0। तो बेटा आपने मैथ समझा होगा, +2 और -2 आ गया 0, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल आ गया 0। तो मुझे जिगर मेरा इसकी मोमेंट जो ऊपर पानी चल रहा था, क्योंकि यहाँ 0 वैल्यू थी, यहाँ माइनस वैल्यू थी, अब मुझे इसकी एंट्री को रोकना है, मैंने पिस्टन से एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिया, तो कितना प्रेशर दे दिया मैंने, जितना सोल्यूट पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू, उतना ही मुझे ऊपर से प्रेशर देना होगा एंट्री को रोकने के लिए, ताकि अंदर भी वैल्यू 0 आ जाए और बाहर भी वैल्यू 0 है। बेटा अंदर भी 0 बाहर भी 0, ये क्या बन गया, ना हाइपोटोनिक ना हाइपरटोनिक, ये बन गया आइसोटोनिक। तो बेटा अब एंट्री रुक गई ना, अभी पहले पानी अंदर जा रहा था क्योंकि बाहर 0 था अंदर माइनस था, अभी पानी की एंट्री रुक गई क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, किसे, पिस्टन से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, तो प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, प्रेशर 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब हम पिस्टन से पुश करेंगे, तो पुश डालो तो पॉजिटिव प्रेशर, पुल करो तो पॉजिटिव प्रेशर होगा माइनस, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो बेटा अभी मूवमेंट रुक गई, किस प्रेशर से मूवमेंट रुक गई, जो मैंने पिस्टन से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया। सो द प्रेशर विच वी अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर और एक्स्ट्रा प्रेशर विच वी अप्लाई टू स्टॉप, मैं लिख दू द प्रेशर, प्रेशर यूज्ड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर। सर एंट्री ऑफ वाटर को रोकने के लिए, यहां पानी जा रहा था, पानी की लेवल बढ़ रही थी, मुझे रोकना है, रोकने के लिए मुझे क्या करना था, मुझे एक प्रेशर अप्लाई करना है, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, द प्रेशर विच वी अप्लाई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा प्रेशर विच वी अप्लाई टू स्टॉप द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसको हमने रोक लिया, तो पानी को रोकना है, अभी उसी प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा कितना दिया हमने, हमने +2 दे दिया, सॉल्यूट पोटेंशियल कितना था, -2, तो हमने एंट्री को रोकने के लिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल जितना था उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर डाल दिया, तो एंट्री रुक गई। तो एंट्री कब रुकेगी, व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सोल्यूट पोटेंशियल, जिसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। देखिए बेटा इसकी वैल्यू प्लस है, इसकी वैल्यू माइनस है, सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू माइनस और ऑस्मोटिक प्रेशर की और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू प्लस है, लेकिन क्या है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये मैग्नीट्यूड इक्वल है, जब हम इक्वल मैग्नीट्यूड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड देंगे किस किस का, सोल्यूट पोटेंशियल का और प्रेशर पोटेंशियल का, तब क्या होगी बेटा, एंट्री रुक जाएगी, और जिस प्रेशर पे एंट्री रुक गई उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में समझाऊंगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया आपको बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर उस प्रेशर को कहते हैं जो हम एक्स्ट्रा अप्लाई करते हैं पानी की एंट्री को रोकने के लिए, और जब पानी की एंट्री स्टॉप होगी तब क्या होगा, तब होगा बेटा, तब होगा ऑस्मोटिक प्रेशर और सोल्यूट पोटेंशियल 0 के बराबर होंगे, क्यों बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल, इसको यहां डाल दो,
ये होगी माइनस, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम मैंने अभी दिखाई आपको लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वक्त हम इसको पानी की एंट्री को रोकते हैं। जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस को स्टॉप किया उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर या बोलेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये चीज याद रखी आपने। अब मुझे पानी को, अभी पानी अंदर आ रहा था ऑस्मोसिस, अभी पानी रुक गया ऑस्मोटिक प्रेशर, अब मुझे पानी इस फनल से वापस निकालना है, तो बेटा मैं कैसे इस बीकर से, इस थिसल फनल से पानी वापस निकालूंगा? कैसे? जब अंदर होगी हाइपोटोनिक, बाहर रहेगी हाइपरटोनिक, तभी मुझे क्या होगा, तभी यहां से पानी वापस निकलेगा। तो बेटा अभी मेरे पास वाटर पोटेंशियल जो आउटसाइड है वो है जीरो, क्योंकि ये प्योर वाटर है। वाटर पोटेंशियल जो इनसाइड मेरे पास है बेटा, वो मैंने बोला था -2। सोल्यूट पोटेंशियल जो इनसाइड मैंने बोला फनल, थिसल फनल, वो भी है -2। अब मुझे क्या करना होगा ताकि जो इनसाइड की वैल्यू, इस वाटर पोटेंशियल की वैल्यू अंदर पॉजिटिव हो जाए? कैसे? तो मैं जिगर मेरा, जो मेरे पास वाटर पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, जिसको हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दिया। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, इट इज -2। ये कब पॉजिटिव आएगा? जीरो कब आया? जब हमने इसकी वैल्यू +2 दी थी, 2 और 2 कैंसिल, -2 + 2 जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो आई और पानी की जो एंट्री है वो रुक गई। अब इसकी वैल्यू मुझे पॉजिटिव बनानी है, तब मुझे क्या करना होगा? तब मुझे करना होगा बेटा, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 देता हूँ, तो मैं ऊपर से अप्लाई प्रेशर और करता हूँ पिस्टन से +5। तो -2 और +5, +5 और -2 कितने बन गए? वो बन गए बेटा +3। तो मेरे पास आएगा अंदर वाटर पोटेंशियल कितना? +3। बाहर कितना है? जीरो। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो अंदर 3 की वैल्यू है, बाहर +0 की वैल्यू है, तो मोमेंट क्या होगी बेटा? थिसल फनल से ही पानी जो है वो बाहर निकल आएगा, वो बाहर निकल आएगा। तो उसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। समझाऊं मैं फिर से, अभी पानी को एंटर करना है, अंदर मुझे वाटर पोटेंशियल माइनस चाहिए, बाहर जीरो है, तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल हो गई ऑस्मोसिस। अभी मुझे रोकना है पानी को, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर देना है जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, और जीरो आ गया अंदर भी, जीरो आ गया बाहर भी, आइसोटोनिक कंडीशन हो गई, तो पानी रुक गया। अब मुझे पानी इस फनल से बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अंदर की वैल्यू प्लस कर दूंगा, बाहर की वैल्यू तो प्लस ही आई लेकिन ज्यादा, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर +5 दे दिया पिस्टन से, और जो हमारे पास सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू 2 थी, 5 से 2 घटाएंगे हमारा वैल्यू आएगा +3, अंदर +3 बन गया किसका, वाटर पोटेंशियल, लेकिन बाहर कितना है, जीरो। तो +3 और जीरो, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी बेटा, मूवमेंट होगी 3 से 0 की ओर, तो पानी यहां से वापस निकलना शुरू हो गया, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। थैंक यू वेरी मच।